सो फाइनली गाइस एक नई टाइप की एलईडी लेके आए हैं जिसको क्री एलईडी बोलते हैं और इसको जो है गाइस ज्यादातर जो है टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। सो इसमें जो है गाइस इस वीडियो में मैं आपको इसको ही यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है इसको यूज में ले सकते हैं। देन इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी मोटी हीट सिंक इसमें जो है लगाई गई है और एक छोटी सी एलईडी यहाँ पे जो है रखी हुई है, लेकिन इसकी जब आप ब्राइटनेस देखेंगे तो आप जो है शॉक हो जाएंगे। वाकई इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा रहने वाली है, देख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं गाइस क्री एलईडी, जो टॉर्च में एलईडी लगती है ये वही वाली एलईडी है। और इसमें जो है आपको पीछे की साइड में हीट सिंक काफी बड़ी दी गई है, क्योंकि जब ये ग्लो होती है तो काफी हीट इसमें से प्रोड्यूस होती है। अगर इसको विदाउट हीट सिंक चलाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर में ये जो है खराब हो जाएगी। सो इसको जो है आप यहाँ पे चलाने के लिए आप डायरेक्टली वैसे जो है इसमें अपना जो है पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसमें जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आप 3 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक आप इसमें इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा वोल्ट देते हैं आप इसमें तो ये जो है यहाँ से खराब होने के चांसेस इसके बन जाते हैं। और गाइज ये इंडियन में भी अवेलेबल आती है और चाइनीज में भी अवेलेबल आती है, तो आप जो है देख के ही परचेज करें। जिसकी जो ब्राइटनेस है अगर इंपोर्टेड होगी तो उसकी ब्राइटनेस काफी बढ़िया होगी। सो ये इंपोर्टेड ही है, एक डुप्लीकेट भी आती है लेकिन वो अलग ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये वाकई डुप्लीकेट है, ठीक है। और अभी चलो एक बार जो है इसको एक बार चला के देखते हैं कि आखिर किस तरह का जो है ग्लो हमें देने वाली है। ओके वैसे गाइज ये अगर आपको परचेज करनी है तो आपको इसका जो लिंक है, मतलब हमारी वेबसाइट का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे। ओके ये ऑलरेडी से लिस्ट है वहां पे और सबसे सस्ती मिलेगी हमारे पास ये, वैसे तो काफी ज्यादा महंगी आती है ये। ओके चलो अब मैं जो है इसको एक बार साइड रखता हूं, देन यहाँ पे अपनी जो है लिथियम बैटरी को लेके आता हूं। सो हम जो है इसको चलाने वाले 3.7 वोल्ट की 18650 बैटरी से। और अगर आपको ये भी होल्डर वगैरह या फिर बैटरी वगैरह भी परचेज करनी है तो हमारे पास मिल जाएंगी ये भी, ठीक है। और अभी मैं जो है इसको एक बार कनेक्ट करता हूँ। और गाइस आपको जो यहाँ पे प्लस माइनस के जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपको जो ये ध्यान से देख के लगाने, अगर आप इसमें उल्टा लगा देते हैं वायर को तो शायद ये डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से लगाए तो यहाँ पे जो है ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसके ये प्लस के रहने वाले हैं, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये माइनस के रहने वाले हैं, तो आप किसी पे भी इसको टच कर सकते हैं। सो चलो मैं एक बार जो है इसको लगा के देखता हूँ, देन उसके बाद देखता हूँ एक बार ब्राइटनेस कैसी है। सो गाइज यहाँ पे आप जो है इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं काफी हाई ब्राइटनेस है, और इसको अगर मैं यहाँ पे लाइट्स वगैरह को ऑफ कर देता हूँ सो यहाँ पे जो है काफी बढ़िया आपको जो है रोशनी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन गाइज जिस तरह से यहाँ पे ये ग्लो होती है उस तरीके से ये हीट भी होती है। जब इसमें गाइज लेंस लग जाता है तो इसकी जो फोकस है, मतलब इसकी जो लाइट है वो और भी डबल हो जाती है, देन आपको जो है ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर देता है। अभी मैं लाइट्स को ऑफ करता हूं, देन इसके बाद इसको ग्लो करके देखता हूं कि आखिर इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे लाइट बंद करने के बाद में कितनी हमें मिलने वाली है। तो चलो देखता हूं एक बार इसको लगाता हूं जल्दी से। सो गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको इतनी देखने के लिए मिलने वाले है। देखो अभी यहाँ पे जो है मैंने कोई भी अपनी लाइट्स वगैरह नहीं ग्लो करा रखी है और यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको इतनी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन गाइज ये हीट भी उस तरीके से ही होती है जिस तरीके से यहाँ पे आपकी ये ग्लो होती है। ओके सो अभी आपने इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे आपको चेकआउट करा दी है मैंने। अब जिस भी भाई को ये परचेज करनी है सो आप डायरेक्टली जाके जो है स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। बल्क में अगर आपको लेनी है ये टॉर्च वगैरह बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सो आपको जो है उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप बल्क में भी हमारे से कॉन्टैक्ट करके जो है एलईडी वगैरह जो भी रो मेटेरियल है वो आप ले सकते हैं डायरेक्टली। और जो भी आइटम है आप वेबसाइट पे चेकआउट कर लेंगे जाके, लिथियम बैटरी है, होल्डर्स है और भी काफ़ी सारा मेटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो परचेज करना तो जाओ जाके डायरेक्टली परचेज आप कर सकते हो।